नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर का कर्मी ही निकला 10.5 लाख रुपए लूट का मास्टरमाइंड, पुलिस ने महज 3 घंटे में किया घटना का खुलासा, रुपये बरामद। सड़क हादसे में नगर निगम के दैनिक कर्मचारी की हुई मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुआ हादसा। नवगछा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बिना टिकट यात्रा कर रहे 128 यात्रियों को टीटी ने पकड़ा, बसूरा गया जुर्माना, यात्रियों में हड़कंप। और संतान प्राप्ति के लिए झाड़फूंक के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित रहमान नर्सिंग होम कर्मी से लूट मामले का पुलिस ने महज 3.5 घंटे में उद्भेदन कर दिया। गुरुवार की देर रात मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी शुभम आर्या ने बताया कि डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान का कर्मी मोहम्मद नौशाद आलम अपने कुछ सहकर्मियों के साथ बृहस्पतिवार को करीब 4:30 बजे तातारपुर थाना आए और सूचना दी कि वह रहमान नर्सिंग होम में काम करते हैं। साथ ही बताया कि नर्सिंग होम से वह 10,50,000 रुपये बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान जब बाटचक के समीप दो अज्ञात लोगों ने पिस्तौल का भय दिखाकर उनसे पैसा छीन लिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। नौशाद की कहानी पर शक के बाद पुलिस ने इलाके का सीसीटीवी खंगाला और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद नौशाद के काले कारनामे की पोल खुल गई। एएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि लूट की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के क्रम में मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद एहसान अंसारी, मोहम्मद तौसीफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लूट के 10,50,000 रुपये के अलावा 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, बैग और बैंक का कुछ कागजात भी बरामद हुआ है। छापेमारी दल में तातारपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा, अपर थानाध्यक्ष पूर्णेंदु कुमार, दरोगा मोहम्मद कमाल, आसिफ अली समेत कई पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी शामिल थे। तातारपुर पुलिस के पास एक कंप्लेनेंट आए, जिन्होंने बताया कि उनके साथ लूट की घटना कारित हुई है। उन्होंने बताया कि वो रहमान नर्सिंग होम में कंपाउंडर के तौर पर काम करते हैं और तकरीबन 10.5 लाख रुपये ये बैंक में जमा करने जा रहे थे। तभी जब इन्होंने बताया कि लगभग डेढ़ बजे के आसपास इनके जब ये जा रहे थे तो इनसे लूट की घटना जो कारित हुई, इसमें पिस्तौल का इस्तेमाल करके इन्हें एक अलग जगह ले जाया जा चुका, एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे इनकी आंखों में मिर्च फेंक दी गई और इनसे कसा लूट लिया गया। तो जैसे ये घटना का हमें सूचना मिली, हमारी ततारपुर थाने की टीम ने इसमें तुरंत एक्शन लेते हुए इसमें हम लोगों ने तुरंत तफ्तीश अपनी जारी कर दी और टीम बनाते हुए हम लोगों ने जैसा इन्होंने अपना बताया, फैक्ट्स बताए, उसमें हमने आगे बढ़े और उसी पूरा रूट को हमने मैप करते हुए हमने वहाँ पे थोड़ा नाकाबंदी भी की और ये भी देखा कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं, जितने भी हमारे गुप्तचर हैं, जितने भी स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से हमने थोड़ा इनकी स्टोरी पे प्रकाश डालने की कोशिश की। तब हमने जब और इसमें ज़्यादा तफ्तीश की तब हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि ये जो कंप्लेनेंट है उनका नाम है नौशाद आलम, यही इन्होंने कुछ साजिश रची थी। तो साजिश के तहत में इन्होंने अपने दो मित्रों के साथ मिलके इन्होंने एक प्लान बनाया था कि यही 10.5 लाख रुपये लूटेंगे। तो इसी के तहत इन्होंने अपने आपस में एक दूसरे को पैसे दे दिए थे और फिर पैसा जाके छुपा दिया था। तो हमने पैसा भी बरामद कर लिया है और इसमें लूट में जो इस्तेमाल की गई थी जो बाइक वो भी बरामद कर ली। भागलपुर के महात्मा गांधी पथ स्थित सीएस कंपाउंड के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि युवक अपने ससुर के साथ ट्रैक्टर से जा रहा था, तभी युवक अचानक नीचे गिरकर गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर नगर निगम का था और उस पर ईंट लदा था, जबकि तेज रफ्तार के कारण ट्रैक्टर पर बैठा चालक का दमाद और स्मार्ट सिटी योजना में कार्यरत दैनिक मजदूर
नीचे गिर गया। वहीं अचानक दामाद को जमीन पर गिरकर गाड़ी के पहिए नीचे आया देख चालक ट्रैक्टर छोड़कर वहां से फरार हो गया। जबकि एक महिला द्वारा शोर मचाने पर पहुंचे राहगीरों को घटना के बारे में जानकारी मिली। इधर स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी तिलकामांझी थाना और यातायात पुलिस को मिली, लेकिन किसी ने युवक के शव को हाथ नहीं लगाया। जबकि काफी देर बाद स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े कर्मियों ने आकर शव को सड़क से उठाया और पुलिस को सौंप दिया। और उसी ट्रैक्टर उसी के ससुर जी ट्रैक्टर चला रहे थे, ये उन्हीं का दामाद था। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ, तो हम लोग को भी पता नहीं कहाँ कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चला है। जैसे पता चलेगा आप लोग को बता दिया जाएगा, जस्ट 10-15 मिनट पता चल जाएगा कि कौन का कहाँ से था। नाम क्या, गाड़ी नाम अभी तक पता नहीं। गाड़ी नाम तो यहाँ के लोकल लोगों का ही है। गाड़ी किन की है ये तो ये भी पता नहीं किसका है। 12:30 बजे करीबन एक महिला की रोने की आवाज़ आई। जैसे आवाज़ आई हम लोग का ध्यान उधर गया, भीड़ उड़ लगने लगी, तब तक पता लगा एक आदमी गाड़ी से गिर गया। इसी गाड़ी पर का आदमी था, ड्राइवर उतरा, जैसा कि पब्लिक बोल रही थी, देखा और देखकर भाग गया। और आदमी जो गिरा हुआ था उसके बाद कोई तो बोला कि बचा हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद एक आध दो आदमी आए बोले कि डेथ कर गया। कौन गाड़ी से कैसे गिरा? ट्रैक्टर नगर निगम की गाड़ी जो ईटा रोड के दोनों साइड में लगा रहा है, इसी की गाड़ी था। घटना कभी नवगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में दो पक्षों के बीच हुई आपसी विवाद में 5 लोगों के घायल हो जाने का मामला सामने आया है। वहीं विवाद में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायलों में पवन यादव, सत्यम कुमार, कलावती देवी, महाराणा मौसम कुमार शामिल है। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना टिकट के यात्रा कर रहे 128 यात्रियों को पकड़े जाने के बाद मौके पर ही जुर्माना वसूला गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि टिकट चेकिंग अभियान में 56,510 रुपये जुर्माने की राशि वसूली गई है, जबकि 21 यात्रियों द्वारा जुर्माना नहीं देने पर उन लोगों को न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद यात्रियों से 14,700 रुपये जुर्माना की राशि वसूल ली गई। मधेपुरा के आलमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भागीपुर गांव चिलकेश्वर स्थान में 5 मई को ढोंगी बाबा द्वारा संतान प्राप्ति और झाड़ फूंक के नाम पर एक महिला के साथ किए गए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पिछले 5 मई को आलमनगर थाना क्षेत्र के भागीपुर गांव चिलकेश्वर स्थान के कैलाश पासवान उर्फ बाबा चिलकेश्वर पर पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैलाश पासवान की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। और इसी क्रम में आलमनगर थाना अध्यक्ष और विशेष टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि ढोंगी बाबा अंधविश्वास के नाम पर निसंतान भोले भाले दंपतियों को फंसाया करते थे और जो उसके झांसे में आते थे उनको जड़ी बूटी के नाम पर कोई नशीली पदार्थ खिलाकर बेहोशी की अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म करता था। साथ ही कहा कि पुलिस को बाबा के घर से कई दंपतियों के फोटोग्राफ भी मिले हैं। आलमनगर थाना अंतर्गत दिनांक 5/5/22 को सनोज मंडल जो रुपौली पूर्णिया के रहने वाले हैं, इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि एक बाबा हैं जो लोगों का अंधविश्वास का फायदा उठा करके गलत काम महिलाओं के साथ करते हैं, संतान उत्पत्ति का लालच दे करके इनकी पत्नी के साथ में भी गलत काम किया गया है। इस संबंध में आलमनगर थाना में FIR दर्ज हुआ और तत्पश्चात इस बाबा की गिरफ्तारी आज हुई है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। एक आवश्यक सूचना, यह बच्चा गूंगा है और 5 मई 2022 की सुबह 6 बजे से लापता है, जिसका नाम राज है। पिता का नाम इम्तियाज कुरैशी, उम्र 12 वर्ष, रंग गोरा है। बच्चे ने भूरे रंग का टी शर्ट एवं हरे रंग का ट्राउजर पहना है, जो चंबेली चक रोड मौलाना चक भागलपुर बिहार का निवासी है। बच्चे की जानकारी मिलने पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सूचित करने की कृपा करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज
मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाथनगर के मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर बाईपास मोड़ के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं ट्रक चालक से मिली जानकारी के मुताबिक वह सुल्तानगंज की ओर से ट्रक लेकर आ रहा था, तभी किशनपुर बाईपास मोड़ के समीप अचानक एक गाड़ी के सामने आ गई, जिसे बचाने के क्रम में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गाड़ी आ रहा था स्पीड में, नाथनगर प्रखंड अंतर्गत रनुचक की मुखिया अनीता देवी ने गांव के 5 लोगों के खिलाफ मारपीट और अभद्र भाषा के प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं इसको लेकर मुखिया ने बताया कि संजय राय, नीरज राय, नितेश राय, सुमंत राय और रणधीर राय गुरुवार की सुबह उसके घर पर आए और ईंट भट्टा में मिट्टी ढोने से क्यों मना करने पर सवाल खड़े किए। अनीता देवी ने कहा कि उन्होंने गाड़ी चलाने से किसी को मना नहीं किया, जिस पर आक्रोशित होकर आरोपी पक्ष के लोगों ने मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। साथ ही कहा कि नीरज राय ने कट्टा निकालकर जान से मारने की भी धमकी दी, जबकि शोर होने पर आसपास के लोग वहां जुट गए, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। 11 तारीख को सुबह 9:30 बजे दरवाजा खटखटाया, मुखिया जी से मुलाकात करना है। हम बोले कि जैसे हम दरवाजा खोले तो बोले कि मुखिया जी कहाँ है, हम बोले कि मुखिया जी को नहीं है। उसमें रणधीर कुमार, नीरो कुमार, संजो कुमार, संजो राय, नीरो राय और रणधीर राय, झुंझुन राय, नितेश राय, सब बीच में हमको घेर लिए। गेट के बाहर घेर करके धमकी देने लगा। सबके हाथ में हथियार था, कट्टा सबके हाथ में था। हम डर गए, डर के मारे हम बोले कि नहीं है। इससे हमको झोटा पकड़ लिया, घेर करके हमको गिरा करके सिकड़ी छीन लिया। तब वहाँ हल्ला करने लगे, हल्ला किए तो सब लोग आए थे। वो भाग करके दबंग आदमी है, सरपंच के घर का है, परिवार, वो पूरा गांव घूमने लगा। भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के कामगार यूनियन की ओर से शुक्रवार को डीएम कार्यालय परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूनियन की ओर से वर्ष 2000 से 2019 तक का बकाया भुगतान करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए आदेश का हवाला दिया गया। प्रदर्शन कर रहे बिहार कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल कामगार यूनियन अलीगंज भागलपुर के शाखा के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के 720 कामगार लगातार 2 वर्षों से उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया। साथ ही कहा कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को आवेदन देकर पुनः अपनी मांग पूरी करने की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा कहा कि जब उच्च न्यायालय ने सरकार को वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक का भुगतान करने का आदेश दे दिया है, तो फिर उन लोगों का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया। इस दौरान 720 कामगारों में से करीब 200 कामगार के मौत हो जाने की बात करते हुए धरना दे रहे लोगों ने कहा कि एक ओर जहां कामगार भुगतान के इंतजार में अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं अब उनकी विधवा भुगतान के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। बता दें कि उन लोगों का बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक उन लोगों को अपनी मेहनत की कमाई के पैसे के लिए इस तरह भटकना पड़ेगा। साथ ही अविलंब मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन बड़े पैमाने पर तेज करने की बात कही। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने JC नंबर 7997/2008 दिनांक फैसला दिनांक 8 जनवरी 2019 को सरकार को दिया गया है। सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके का डिसीजन के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। यह हाई कोर्ट में हलफनामा में सरकार दिया है, लेकिन 2 वर्ष से
हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, श्री नवाज आपके उद्योग मंत्री के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि वित्त मंत्री के पास भी गए, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आज अपनी मांगों को लेकर के धरने पर हैं। हमारी मांग है कि CWJC केस नंबर 7997/2008 फैसला दिनांक 1 जनवरी 2019 के मुताबिक सभी कामगारों को 720 क्रम कामगारों को वेतन का बकाया का भुगतान किया जाए। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिरहट्टी निवासी पूरन मंडल ने शुक्रवार को अपनी अपहरित बेटी की सकुशल बरामदगी को लेकर SSP बाबूराम से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़ित पूरन मंडल ने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर मिरहट्टी निवासी बिट्टू यादव और उसके पिता जितेंद्र यादव के अलावा पूर्व मुखिया मदन मंडल को बेटी के अपहरण और साजिश करने का आरोप लगाया है। जबकि पीड़ित पिता ने सुल्तानगंज थाना की ओर से सहयोग करने की बजाय मटोल कर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। पूरन मंडल ने बताया कि विगत 2 अप्रैल की सुबह जब उसकी नाबालिग पुत्री खेत से खेसारी का भोजा लेकर घर आ रही थी, तभी गांव के बिट्टू यादव ने रास्ते से ही उसका अपहरण कर लिया। जबकि काफी देर बाद भी बेटी के घर नहीं पहुंचने पर उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन बेटी का कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद गाँव के पूर्व मुखिया मदन मंडल ने उससे थाने में आवेदन देने की बात कही। पीड़ित का कहना है कि मदन ने कहा कि वो आवेदन तैयार कर देगा और पढ़ना नहीं जानने के कारण उसने अपनी सारी बात बोलकर लिखा दिया, लेकिन मदन मंडल ने उसके बोलने के बावजूद आवेदन में ना तो आरोपियों का नाम दिया और ना ही बेटी की अगवा करने की बात कही दर्शाई, जिसकी जानकारी उसे बाद में FIR कॉपी देखने के बाद हुई। वहीं पूरन ने कहा कि बिट्टू यादव के पिता जितेंद्र यादव ने उसे फोन कर बेटी उसके कब्जे में होने और बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए 2 लाख रुपए फिरौती की मांग की। साथ ही कहा कि 7 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 1 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक बेटी वापस नहीं मिल सकी है। पूरन मंडल ने कहा कि सभी अभियुक्त अभी भी उसे धमकी देते हैं और उन लोगों की बात नहीं मानने पर बेटी से हाथ धोने की बात कहते हैं। बिट्टू यादव जो है सवेरे 5:30 बजे घर से मेरा बच्ची घर से निकला तो रास्ते से उसने जबरन खींच के ले गया और उधर भी उसने अभी तक नहीं दिया। कहाँ ले गया उसको खींच कर? अब कहाँ ले गया तो हमको नहीं पता है सर, अभी तक हमारे पास नहीं आया। वो बात भी करवाया बिट्टू यादव ने लड़की से क्या बतला? बात वही करवाया 5 तारीख में कि पापा खाते क्यों नहीं हैं। गाय 2 तारीख में हटाया। कुछ डिमांड वांड भी किया? कोई डिमांड किया उसका पिता जी 2 लाख का। किसका पिताजी? बिट्टू यादव का पिताजी। बिट्टू यादव कौन है? आपके परिजन आपके परिवार में से कोई है? ये कोई नहीं है सर। तब वो क्या बोला डिमांड करके? क्या बोला वो? डिमांड करके यही बोलता है कि 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं तो आपका लड़की नहीं मिलेगा। मधेपुरा मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन गंगापुर मार्ग स्थित पुल के समीप गुरुवार को अपराधियों ने CSP संचालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। 2 मोटरसाइकिल पर सवार हथियार से लैस 4 अपराधियों ने भारतीय स्टेट बैंक के CSP संचालक राजीव कुमार रंजन को गोली मारकर 4,11,000 रुपये लिया, जबकि बदमाशों ने पीड़ित का मोटरसाइकिल भी लूट लिया। वहीं लूटपाट के दौरान मारी गई गोली CSP संचालक के हथेली में लगी, जिसके बाद जख्मी हालात में उसे स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया। हालांकि फिलहाल घायल की हालत ठीक खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मुरलीगंज थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने दरबल के साथ घटनास्थल का जायजा लिया और छानबीन शुरू कर दी। थानाध्यक्ष ने कहा कि लूटकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन तेज कर दी गई है। हम मुरलीगंज ब्रांच आए थे CSP वाला कैश लेने के लिए। कैश लेके हम अपने CSP पॉइंट पे जा रहे थे, घर जा रहे थे। इसी बीच गंगापुर पुल से पहले बगीचा है, उस बगीचा के पास 2 मोटरसाइकिल वाला आदमी 4 आदमी खड़ा था। एक मोटरसाइकिल बैठा हुआ था, 3 आदमी खड़ा था।
हम जैसे ही नज़दीक आए हम नहीं रुके, वो हम पे गोली चलाया। पहला गोली हम शरीर अपना छीप लिए, जैसे फिर हम भागे वहाँ से, दूसरा गोली चलाया, इस तरह हम किए और मैं वो गोली हमको यहाँ लगा। उसके बाद हम भागते रहे, पुल के पास एक मोड़ है, मोड़ के पास जो है हम गाड़ी हल्का स्लो किए, तब तक पीछे से हमको धक्का मारा गाड़ी से, हम गाड़ी लेके वहीं गिर गए। फिर हम पे वो पिस्टल तान के बोला बैग लाओ, हमसे बैग उछीन लिया। भागलपुर सुल्तानगंज की अगुवानी पुल निर्माणाधीन स्ट्रक्चर 30 अप्रैल की अहले सुबह गिरने की खबर पूरे बिहार में सुर्खियों में बनी रही और बिहार सहित देश भर में पुल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा होने लगा। वहीं इस घटना को लेकर पुल निगम के वरीय अधिकारियों और IIT मुंबई की टीम ने स्थल निरीक्षण के बाद तैयार किए गए जाँच रिपोर्ट साझा किया। इधर पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए मलबा हटाने के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए मजदूरों को लगाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अगुवानी पुल का सभी पाया कम्प्लीट हो चुका है, जबकि पाया में स्ट्रक्चर का काम पूरा नहीं होने के कारण अगुवानी पुल अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है। वहीं पुल निर्माण से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अगुवानी पुल का कार्य इसी वर्ष कंप्लीट होने का अनुमान है। साथ ही कहा कि अगुवानी पुल कंप्लीट होने पर बिहार झारखंड के लोगों को नेपाल बंगाल सहित अन्य जिलों में जाना आसान हो जाएगा। भागलपुर के पीरपैती बाजार में राजद के पूर्व विधायक रामविलास पासवान ने राजद का सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान विधायक ने प्रखंड के लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई। वहीं इसको लेकर रामविलास पासवान ने बताया कि तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए पीरपैती के विभिन्न गांवों में लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई गई। इसके अलावा लोगों को जागरूक होकर पार्टी से जुड़ने की अपील की। इधर राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत साह ने कहा कि सदस्यता अभियान में काफी संख्या में ग्रामीणों ने सदस्यता ग्रहण की, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर का कर्मी ही निकला 10.5 लाख रुपए लूट का मास्टरमाइंड, पुलिस ने महज 3 घंटे में किया घटना का खुलासा, रुपए बरामद। सड़क हादसे में नगर निगम के दैनिक कर्मचारी की हुई मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से हुआ हादसा। नवगछा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बिना टिकट यात्रा करे 128 यात्रियों को टीटी ने पकड़ा, बसूरा गया जुर्माना, यात्रियों में हड़कंप। और संतान प्राप्ति के लिए झाड़ फूंक के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने वाले ढोंगी बाबा गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।